हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये कोकेडामा के वाटरिंग के बारे में बात करूंगी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने पूछा, बहुत से व्यूअर्स ने पूछा कि आपने जो कोकेडामा बनाया है इसको आप वाटर कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको ये बताने आई हूँ, वाटर कैसे देंगे और इसको फर्टिलाइजर कैसे देंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए वाटर, इसको एक तो आप ऊपर से उठाएंगे या अगर ये ऊपर भी लटका हुआ है तो ऐसे देंगे। मैंने इसीलिए इसमें ये सूतली और वो लगाया हुआ है टाट, ताकि अगर आप इसको ऐसे गीला करेंगे, आप देखते होंगे जैसे सब्जी वाले अपने कैसे बोरियों को गीला करते हैं। इसको आप गीला करेंगे तो ये अपने आप देखिए, इसमें अगर ऊपर जैसे लटका हुआ है तो ऐसे पाइप से इसको ऐसे ऐसे, अगर ये ऐसे लटका हुआ है तो आप इसको ऐसे ऐसे पाइप से चारों तरफ से, एक तो ये तरीका है पानी देने का। और फ्रेंड्स, ऐसे आप ये भी पानी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एनपीके वगैरह में बताती हूँ कि आप एनपीके देना है तो पानी में घोल के जो एनपीके देते हैं एक चम्मच, बाकी प्लांट्स में हम जो स्प्रे करते हैं फ्रेंड्स, वो इसमें भी स्प्रे कर दीजिए। इसकी पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो वो भी क्या काम करेगा, वो भी आपके इसमें खाद का काम करता है। फोलियर एप्लीकेशन ऑफ जो फर्टिलाइजर है वो होगा इसमें एनपीके। इसमें आप पानी में घोल के ऐसे स्प्रे कर दीजिए स्प्रे बॉटल से, जैसे और प्लांट्स में। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया है हाउ टू गिव लिक्विड फर्टिलाइजर, वैसे देंगे इसको। और अगर ऐसे देंगे तो ये देखिए, ये आप देखिए, इसमें मैं इसको दबाती हूँ, देखिए कितना पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सूतली और टाट का काम ही है पानी एब्जॉर्ब करना। और दूसरा, अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया, आप एक दिन भूल गए पानी नहीं दे पाए, तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस कोकेडामा को ऐसे किसी कंटेनर में रख दीजिए और ऐसे रख के आप इसको आधा घंटा छोड़ दीजिए। ये चीज आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, इसको ऐसे टेढ़ा करके या ऐसे ऐसे आप इसको पानी में छोड़ दीजिए। और इसमें ये जो टाट और सूतली है वो अपने आप धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए, अपने आप इस पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप इसको 15 मिनट तक, आधा घंटा तक इसमें छोड़ दीजिए, पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर से आप इसको लटका दीजिए। और रोज आपको पानी देना हो तो जैसे मैंने अभी आपको पाइप से बताया वैसे दे दीजिए। और अगर आपको फर्टिलाइजर फ्रेंड्स इसके थ्रू देना है, तो जैसे आपने ये पानी में डुबोया है तो इस पानी में भी, ये देखिए मैंने ये इतना सा लिया है, इस पानी में भी आप ये घोल दीजिए। ये मैंने एनपीके घोला है इसके अंदर, इस पानी में भी आप ऐसे घोल दीजिए। और यही जो आपने घोला हुआ पानी है इसके अंदर भी ऐसे इसके ऊपर भी प्लांट पे दे दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें इसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने दीजिए। तो इसके थ्रू भी ये अपने आप इस पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो इसको ये हो गया कि हाउ टू फर्टिलाइज कोकेडामा, ये भी हो गया आपका कि इसमें पानी में हमने एनपीके डाल दिया और वो ही एनपीके ये एब्जॉर्ब कर लेगा, टाट और अंदर ये ऊपर की सूतली। और ये प्लांट पे भी इसको आप ऐसे ही छिड़क दीजिए, ऐसे लेके इसको पत्तों पे भी छिड़क दीजिए। और आप जो बाकी प्लांट्स पे लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रेयर से स्प्रे करेंगे वो भी इसमें आप स्प्रे कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गया हमारा कोकेडामा जिसको हमने अच्छी तरह से पानी दे लिया। ऐसे आप इसको 15-20 मिनट इसमें डाल के और ऐसे रख देती हूँ मैं, और इसके ऊपर से और मैं ऐसे पानी दे देती हूँ ताकि जो एनपीके है इसकी पत्तियों पर अच्छी तरह चला जाए, और यहाँ से भी दे देती हूँ। ऐसा आपको ये जो मैंने पानी में डुबोने वाला बताया है, ये आपको हफ्ते में एक बार करना है। और जो मैंने बताया है कि आप पाइप से ऐसे दे दें
या जो फर्टिलाइजर स्प्रे करें ये आप हर 8-10 दिन में, या पानी तो आप जैसे कोकेडामों को गीला तो आप रोज, जैसे बाकी प्लांट्स को गीला करते हैं इसको रोज ऐसे पाइप से जैसे मैंने अभी बताया गीला कर दें, और 15-20 दिन में एक बार आप इसको, या 10 दिन में एक बार आप इसको, जब आपको लगे कि ये सूख ना जाए तो आप एक बार इसको पानी में डुबो के 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।